अस्सलाम स्टूडेंट्स, टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेसर। ठीक है, देखते हैं इसको, समझते हैं। तो हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका इसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली, ये हम कह रहे होते हैं सीपीयू। ठीक है, पर अगर ये मैं कहूँ कि सीपीयू तभी कहलाएगा ना जब इसके अंदर कोई हार्डवेयर सिस्टम लगा होगा, और अगर ये खाली हो तो हम इसे कहेंगे ये कैसिंग है। ऐसे ही ना, इसे हम फिर कैसिंग कहेंगे, फिर हम इसे सीपीयू नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की कैसिंग होती है ना। तो एक हमारे होती है भाई, किस टाइप की कैसिंग चाहिए, हम कहते हैं यहाँ मार्केट में जाके हमारे पास जो है डेस्कटॉप है। ठीक है, हमें डेस्कटॉप लेना है, तो ये डेस्क के ऊपर पड़ा होता है। तो बहुत सारी कैसिंग मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो इसको हम नॉर्मली डेस्कटॉप कहते हैं ना। ये डेस्क बड़ी उसके ऊपर होता है ज़्यादातर। ठीक है, हम नीचे भी रख सकते हैं, ठीक, मगर मोड जो इन्होंने शुरू में नाम रख दिया था, ठीक है, तो इस वजह से रखा था। तो बात एक समझ आ गई कि जो है हमारे पास ये जो है डिवाइस जो है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, हमें कंप्यूटर कह रहे होते हैं, सीपीयू। ठीक है, मगर ये सीपीयू है असल में इसका, इसके अंदर जो है ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना, ये बखद जो है वो सीपीयू जो है वो एक और छोटा पार्ट है असल में, हालांकि ये सीपीयू नहीं है। ठीक है ना, ये है एक सिस्टम यूनिट। ठीक है ना, ऐसे ही कहेंगे ना, ये एक सिस्टम यूनिट से बना हुआ है ना, छोटे छोटे सिस्टम इसके अंदर बने हुए हैं। ये कंप्यूटर हमारा, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके किसी बॉडी के एक पार्ट को, वो है हमारे पास हेड। ऐसे ही है ना, ये सीपीयू हमारे हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग को ये रिप्रेजेंट कर, क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग का जो दारोमदार है इसी जगह पर है, तो ये जो है हमारे पास इसी तरीके का इस्तेमाल करता है। हम सीपीयू की जब बात करते हैं तो नॉर्मली वो ब्रेन की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह पर तरतीब से रखी गई हैं, दिमाग के अंदर भी। ऐसा नहीं कि पूरा दिमाग के हर हिस्से में अब एक्सेस जो है, मतलब यहाँ पर अगर डेटा पिक्चर्स की है तो यहाँ पिक्चर की नहीं होगी, पिक्चर की डेटा के लिए अल्लाह ताला ये सिस्टम बना हुआ है कि ये जो एरिया है वो पिक्चर का है, ये आइडियो का है। इस तरीके से जो हमारे पास चीज़ें डिवाइड हैं, सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, तो कहने का मकसद मिसाल तो अगर मैं इस डब्बे को ओपन करूं, ठीक है, ओपन करूं अगर डब्बे को मैं, तो इसके अंदर अगर हमारे पास सिस्टम पूरे छोटे छोटे ये सिस्टम पूरे लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो रैम लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, वायर लगी हुई है, सर्किट लगा हुआ है, तो असल में जो सीपीयू है वो तो ये नहीं है। रैम तो सीपीयू नहीं है ना, सेल तो सीपीयू नहीं है, इन सारों को मिला दो तो सीपीयू नहीं होगा ना। ये असल में इस यूनिट मिला के इसको कहते हैं सिस्टम यूनिट। असल में क्या नाम होना चाहिए, सिस्टम यूनिट। ठीक है ना, वो छोटे छोटे और जो भी हमारे पास हैं पार्ट, वो छोटे सिस्टम मिला के ये हो गया सिस्टम यूनिट। अब इसको दूसरा नाम सीपीयू भी दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली लोग सीपीयू, मगर आप जनरली समझ जाएँ कि ये वर्ड है वो असल में सिस्टम यूनिट होना चाहिए बनस्बत सीपीयू के। पर वेल, तो सीपीयू इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट ना। ऐसा ही है ना कि सीपीयू जो है वो तो एक पार्ट है सिस्टम यूनिट का। आपको पता है वो सिस्टम सीपीयू का क्या मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चले, पहले तो हमें समझ आ गया कि मैं सिस्टम को जैसे ओपन करूँगा, ठीक है, जैसे ही ओपन होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये इस तरीके का एक जो है ना मैं रिप्रेजेंट किया रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने ढक्कन ओपन किया ऊपर वाला, हमें सिस्टम इस तरह दिखाई देगा। तो जो ये ग्रीन में आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन क्या कहलाता है भाई, मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, इसमें सारे कंपोनेंट्स अटैच लगे पड़े, ऐसा ही है ना। ठीक है, और ये आप जो फैन देख रहे हैं, ये असल में इसके नीचे पड़ा रखा हुआ है हमारे पास क्या, सीपीयू, या हम कहें माइक्रो प्रोसेसर। ये कहलाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या कहलाता है, ब्रेन। क्यों ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा 1+1 कितना होता है, आप जवाब दे देंगे 2। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस टाइम बहुत कम लगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2500 को मल्टीप्लाई करें 55 से, अब हो सकता है आप थोड़ा सोचना शुरू करें, या कॉपी पेन लें या फिर कैलकुलेटर लें, मगर क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लगेगी, जितनी डेटा ज़्यादा होती है प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लेती है, तो ये काम करता है प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो एक बात समझ आ गई, ये जो आप फैन देख रहे हैं, हमने फ़ैन क्यों लगाया है उसका भी रीज़न हम बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रोसेसिंग होती है तो वो ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और उसी वजह से वो गर्म होता है, और हो सकता है वो गर्म होकर बस्ट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, उसी वजह से इसको कूल डाउन किया जाता है। ठीक, तो पहले तो हमें समझना है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर दिखता कैसा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस तरह भी दिख सकता था। ठीक है, इस तरह भी हम कह सकते हैं, ये भी चिप है, यही काम कर सकती है, या ऐसे बड़ी चिप लगा दो, ये भी वही काम करेगी, और साइज भी हम इस तरह भी रख सकते हैं।
ठीक है। और आप नॉर्मली देखेंगे कि जो पहले शुरू में बना था, सबसे पहले ये वाला आप देख रहे हैं, नहीं इसको भी माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, अब थोड़ा सा लेटेस्ट हो गया तो इस तरीके का वो बन गया, ठीक है। इसमें प्रोसेसिंग भी बहुत कम, पिन भी बहुत कम, और इसमें प्रोसेसिंग करोड़ों की हो गई है, ठीक है, और पिन भी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। वेल, तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन है, ठीक। इस तरह हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया, ये भी माइक्रो प्रोसेसर है, देख रहे हैं आप, ये माइक्रो प्रोसेसर। अभी आप दो आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़े से इनमें अंदर पिन लगी हुई है, जो पिन है ना ये आप उठाएंगे और अपने जो माइक्रो, जैसे हमने कहा जैसे हम कंप्यूटर ओपन करते हैं वहाँ पर हम इस सॉकेट पे लगाएंगे। अब सॉकेट क्या है भाई, हर जगह के नाम दिया गया किसी चीज़ को लगाने के लिए, ठीक है। जैसे बॉक्स है जहाँ पर आप सामान, कोई आप कबर्ड है, जो कबर्ड के डिफरेंट बॉक्स होते हैं ना, आप कहते हैं यार कपड़े जो है ना एक जगह पे रखे, ऐसा तो नहीं होता है दराज के अंदर कपड़े जो है घुसे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता ना, हर जगह की एक तरतीब बनाई गई है। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर को जो जगह पर हम रखते हैं हम उसे कहते हैं सॉकेट, क्या कहते हैं, सॉकेट कह रहे होते हैं, ठीक। तो ये सॉकेट इसके हम अटैच कर देते हैं, तो सॉकेट 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इस तरह बहुत सारे और भी सॉकेट मार्केट में आए। मिसाल तो सॉकेट 5 और सॉकेट 6 में क्या फ़र्क है, सॉकेट 5 में फ़र्क ये है कि भाई सॉकेट 5 के अंदर 320 कनेक्टर्स हैं, पिन हैं, और सॉकेट 6 के अंदर क्या है, कनेक्टर कितने हैं, 235, ठीक है। तो ये फ़र्क हो सकता है, ठीक है, और वो कितने वॉट्स या हम कहेंगे कितने जो है अपने पास एनर्जी रखता है, ये फ़र्क हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंटली साइज में भी फ़र्क होगा। तो ये हमें पता चला कि सॉकेट 5 और सॉकेट 6 में क्या फ़र्क है, ठीक। इस तरह आपने उसको प्लग इन कर दिया, उसमें अंदर सॉकेट में बिठा दिया, और आपको मैंने कहा कि ये सॉकेट में इतनी गर्मी होती है कि भाई आप जो है ना गोश्त का टुकड़ा रखें, ठीक है, क्या करें, गोश्त का टुकड़ा रखें और ये गोश्त का टुकड़ा जो है वो इस तरह हो जाए, क्या हो जाए, पक जाए, आप देख रहे हैं पक रहा है भाई, ठीक है। इतनी गर्मी जो है इसे जनरेट होती, इतनी हीट जनरेट होती है कि ये पक गया आपका, और अब आप खाएं इसको, ठीक। तो बात समझ आ गई, ओके। तो अब जो है हमारे पास इसको गर्म ना होने दें, तो हमारे पास एक चीज़ होती है, आप ये देख रहे हैं एक थोड़ी सी ब्लॉक बने हुए हैं वर्टिकल, ठीक है, और इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि फ़ैन इसके ऊपर रखा जाता है, फिक्स किया जाता है, मगर अब जो है हमारे पास ये यूज़ हो रहे हैं, देखिए आप ये वाइट कलर के, इसे हम कहते हैं हीट सिंक, क्या कहते हैं, हीट सिंक, क्या कहते हैं, हीट सिंक। ये क्या करता है, ये इस्तेमाल किया जाता है कि हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है, यहाँ से जो भी हीट निकलती है, जो भी जनरेट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के से, ठीक, तो उसको क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, या मैकेनिकल डिवाइसेस से उसको फ्लूइड या इसको जो है एयर फॉर्म में इसको निकाला जाता है, कि जैसे एयर फॉर्म में ये निकल जाए बाहर, ठीक। तो एक समझ आ गई बात कि हीट सिंक का क्या काम होता है, भाई वो जो है कूलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, सराउंडिंग एरियाज में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक। तो ये डेफिनेशन उसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। इस तरह मैंने कहा सबसे पहले जो हमारे पास था कौन सा माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल का था, ये इंटेल वालों ने कंपनी ने बनाया था, और 4004 का ये माइक्रो प्रोसेसर बना था, ठीक है, और कितना साइज का था, 4 बिट का था। अब 4 बिट से क्या मुराद, अभी 4 बिट से मुराद ऐसे समझें कि एक रोड है, ठीक है, और उसमें एक ही गाड़ी जा सकती है, वो है बाईसाइकिल, क्या जा सकती है, या मोटरसाइकिल जा सकती है। तो अब आप अगर गाड़ी चलाना चाहें तो नहीं जाएगी ना, मतलब अगर आपको डेटा भेजनी है तो सिर्फ साइकिल या मोटरसाइकिल वाले को दे दें भाई ये जो डेटा है दूसरी जगह पे पहुंचा के आओ, तो ये हो गई 4 बिट। और अगर मैं आपसे कहूं कि अब जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर हैं वो 32 बिट या 64 बिट को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब जो है वो हम कितनी डेटा लेके जा सकते हैं, भाई अब जो हम डेटा लेके जा सकते हैं लेट सपोज 32 बिट और 64 बिट, मतलब अब हमारे पास जगह हो गई गाड़ी की या फिर ट्रक की, ठीक है। तो ये जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था, 4 बिट का था, ठीक है, और इंटेल वालों ने बनाया था 1971 पे, ठीक। एक बात समझ में आ गई कि पहला जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बना था, ठीक है। वेल, जो यूज़ था इसका इस्तेमाल किसके लिए करते थे भाई, हम इतना कम जो है डेटा जा रहा है पर किस लिए इस्तेमाल करते थे भाई, इसको इस्तेमाल करते थे हम कैलकुलेटर्स में, ठीक है। कैश रजिस्टर क्या होता है, ये भी मेमोरी होती है, रजिस्टर एक मेमोरी होती है हमारे पास, ठीक है, और डेटा को सेव करने के लिए ATMs में ये इस्तेमाल होता था, ठीक है। सिंपल बिजनेस सिस्टम में ये इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। अब तो आपको कोई फ्री में दे तब भी आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसमें जो
जो माइक्रो प्रोसेसर बना रहे थे ना मिसाल तौर ये, तो उसमें तो बीच में गैप्स होते थे, मतलब वो चीज़ जो टेक्नोलॉजी थी बड़ी चीज़ों को छोटे में, मतलब पूरे कमरे जितना एक टेक्नोलॉजी थी, अब उसको समेट के एक जो है वो फिंगर टिप्स पे लेकर आ रहे थे, तो क्या कर रहे, जो भी गैप्स होते थे माइक्रो प्रोसेसर को अटैच करते हुए दूसरे को अटैच करते हुए, तो गैप रखना पड़ता था पहले शुरू शुरू में। फिर उन्होंने कोशिश की इस गैप को भी ख़त्म करने की, तो गैप ख़त्म करते करते ये आ गए नैनोमीटर से माइक्रोमीटर तक। ठीक है, अभी मैं इसको और विस्तार से समझाता हूँ। तो पता चला कि हमारा जो मार्केट के अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या हैं जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर हैं। ठीक है ना, ये इंटेल का, फिर आगे आगे बढ़ते हुए हम पेंटियम पर, फिर पेंटियम फोर पर, इस तरह फिर पेंटियम थ्री आ गया, पेंटियम फोर आ गया, पेंटियम डी आ गया। ठीक, और जो है आते आते हम कोर आई थ्री पर आ गए, कोर आई सेवन पर आ गए। ठीक, वेल हम कोर को समझेंगे कोर क्या होता है, मगर उससे पहले हमने जान लिया कि भाई जो है ये इतने माइक्रो प्रोसेसर भी मार्केट में आए थे। ठीक है, चल भी रहे हैं कुछ। अब जो कोर है या सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, अब माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, अगर माइक्रो प्रोसेसर ठीक है एट अ टाइम एक काम करता है, या हम उसे कहें माइक्रो प्रोसेसर या हम कहें कोर प्रोसेसर। ठीक है, अगर मैं कोर प्रोसेसर कहता हूँ इसका मतलब है माइक्रो प्रोसेसर, बात समझ में आ रही है। और कोर का मतलब होता है कि वो सिंगल, उसके अंदर चिप होगी। सिंगल चिप से मुराद कि भाई ये जो है ना एक माइक्रो प्रोसेसर है और ये एट अ टाइम एक ही काम कर सकेगा। क्या? एट अ टाइम एक ही काम कर सकेगा। इसे बोलेंगे ना कि भाई गाना भी चलाओ और डॉक्यूमेंट्स भी मैं काम करना चाहता हूँ, तो ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये परेशानी थी। अब कोर का मतलब क्या है, वही माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये सिंगल कोर कहलाता है। ठीक है, और ये सिंगल कोर में इतनी ताकत नहीं थी कि मल्टीपल काम कर सके। अच्छा, मल्टीपल काम करने के लिए हमने एक और सॉफ्टवेयर बना दिया। हमने बोला यार एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो ना इसको क्या करे, इसको ऐसा फील करवाए कि दो दो काम एट अ टाइम कर सकते। अब ये सॉफ्टवेयर में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, उसको उस सॉफ्टवेयर को हमने कहा थ्रेडिंग। क्या? उस टेक्निक को हमने कहा, वो थ्रेडिंग ऐसी टेक्निक है जो हालांकि प्रोसेसर एक है मगर उससे वो दो काम करवा सकता है। ठीक है, मल्टीपल काम करवा सकता है, ये था थ्रेड। मगर क्योंकि ये सिंगल कोर था और इसके अंदर जो सिंगल ही थ्रेड लगाया गया था, और क्योंकि शुरुआत थी, इसी वजह से जो है हमारे पास पहले अवेलेबल होते थे सिंगल कोर। ठीक है ना, जिसे हम नॉर्मली, तो एक थ्रेड जो है ना एक टाइप का ऐसा फिज़िकल जो है, जो भी कोर होती है हमारे, वो तो फिज़िकल है ना, उसको हम टच कर सकते हैं, मगर ये एक ऐसा वर्चुअली, मतलब ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि तुम बहुत सारे जो है ना प्रोसेसर प्रोसेस को तोड़ सकते हो, बहुत सारे प्रोसेस अपने, मतलब एक जगह को नहीं, एक ही दो चीज़ों को एक प्रोसेसर दो प्रोसेस कर सकता है चीज़ों को एट अ टाइम। तो ये वर्चुअल सॉफ्टवेयर क्या कर रहा था, ये सॉफ्टवेयर कर रहा था, एक टेक्निक ऐसी थी ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर कि वो एक ही प्रोसेसर को दो प्रोसेस करवा सकता था। ठीक है, क्लियर है मेरे बात? ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ ये, अच्छा अब तो ये था सिंगल, ठीक है सिंगल कोर, और अगर मैं आपसे कहूँ कोर टू ड्यो, कोर टू ड्यो, कोर टू ड्यो का मतलब, अब टेक्नोलॉजी आई, पहले तो कोर आ गया उसके बाद कोर टू ड्यो। अब कोर टू ड्यो क्या कर रहा है, एक कोर टू ड्यो मतलब दो उसमें अंदर क्या निकलेंगी, थ्रेड्स निकलेंगे, एक कोर होगी एक प्रोसेसर होगा, मगर फील ऐसा करवाएगा, या हम इसे कहेंगे कि ड्यूल कोर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ड्यूल कोर, तो ड्यूल कोर से क्या मुराद कि दो कोर। ठीक है, दो कोर ऐसा ही हुआ ना, मतलब कि ड्यूल कोर मतलब दो कोर, एक प्रोसेसर होगा मगर हमें जो काम मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि दो प्रोसेसर एट अ टाइम वो काम कर सकेंगे, दो प्रोसेस जो है एट अ टाइम कम हो सकेंगे। वेल वाटर थ्रेड, मैंने थोड़ा इसको डिफाइन भी कर दिया है, ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि ये थ्रेड का क्या काम है। ठीक है ना, वो प्रोसेस क्रिएट करता है, लिखा है ना, थ्रेड इज़ क्रिएटेड बाय प्रोसेस। ठीक है, वो जैसे ही एक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है आप प्रोसेस को चलाना चाहते, तभी तो ये एक्टिव होना चाह रहा है, अदरवाइज का एक्टिव होने का क्या फ़ायदा। तो जब प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है तो उसका मतलब पीछे क्या चल रहा है, थ्रेड चल रहा होता है। वेल उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कोर टू ड्यो का। ठीक है, इसका मतलब होता है दो जो हमारे पास कोर, एक हो गया वन कोर, टू कोर, फिर फोर कोर, अगर फोर कोर होता है तो उसका मतलब हमारे पास कितने होते हैं, कोर, मतलब चार इसके अंदर कोर होंगी,
8 कोर हम कहते हैं या ओक्टा कोर नाम रखा गया है, 4 कोर भी कह सकते हैं या इसका क्वाड कोर भी कह सकते हैं, 8 कोर भी कह सकते हैं या इसको ओक्टा कोर भी कह सकते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास जैसे एक माइक्रो प्रोसेसर को, तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए थोड़ा सा डीप जाके देखेंगे ना, तो आप देखिएगा कि मिसाल तौर हमारे पास ये जो ये माइक्रो प्रोसेसर है, मिसाल समझिए कि अगर हमारे पास, इसको थोड़ा मुझे डार्क करना पड़ेगा, वेट अ मिनट, मैं इसको इसे कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे समझिए कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, वो है ट्रांजिस्टर है, और ये इसके जो बीच में ना, ये जो आप देख रहे हैं ग्रे लाइट ग्रे, ये असल में ये गैप है। अब इस गैप को भी ख़त्म करना होता है, जितना गैप को ख़त्म करेंगे उतना हमारे पास नैनोमीटर जो है वो काउंट होगा, मतलब कि भाई कितना गैप ख़त्म किया है। जैसे हमारी शर्ट होती है, तो हमारी शर्ट जो ये जो धागे एक दूसरे से मिले हुए हैं, अगर इसमें गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका मतलब नैनोमीटर ज़्यादा है इसके अंदर, इसका गैप ज़्यादा है, तो हम इसका गैप ख़त्म करते जाएंगे। तो ख़त्म करना मतलब, अगर आज के जो हमारे पास कंप्यूटर हैं जैसे Core i7 Core i3, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी जो आई है, इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना रही है, और उस टेक्नोलॉजी ने जो काम किया है कि हमारे पास जो प्रोसेसर है वो कितनी टाइप क्या जो है, कौन से रख रहे हैं अपने पास गैप, वो रख रहे हैं 7nm का गैप, ठीक है ना, 7nm का प्रोसेसर बन रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या करता है, जैसे मोबाइल में अगर 7nm का है, तो उसका मतलब वो छोटी सी चिप जो है बड़े प्रोसेस कर सकती है, अगर वो क्वाड है या फिर ड्यूल कोर है, ठीक। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, कि ये जो गैप है बेसिकली इसका, पहले जो हमारे पास थे वो कितने थे, 843 नैनोमीटर गैप था, और अब हमारे पास प्रोसेसर की गैप कितना है, 7nm, ठीक। तो इस तरह Core i5 Core MD, ये दो हमारे पास ज़्यादातर चल रहे होते हैं, Intel का भाई प्रोसेसर है या MD का प्रोसेसर है, बात वही होती है, ठीक है। मगर कुछ चीज़ों में जो हमारे पास ज़्यादातर Intel कामयाब है, MD ना जो है कामयाब नहीं है। अब जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई जो है, एक तो बात समझ आ गई कि मुझे अगर 2 × 2 करना है और इक्वल टू, तो ये तो आप जवाब जल्दी से बता देंगे, 8 × 2 बता देंगे, ठीक है। मगर अब जो अगर मैं आपसे ये कराऊँ 899 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, थोड़ा प्रोसेस में आप टाइम लेंगे। तो इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आप देखेंगे ना, मैथ भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ी माने रखती है, आप मैथमेटिक्स को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो अपनी ज़िंदगी में अंदर, ठीक है यार, कितना टाइम लगेगा यार ये काम करने में, यार कब तक आ जाओगे, ठीक। इस तरह बहुत सारे जो हमारे टर्म ज़िंदगी के वो मैथमेटिक्स से रिलेट होते हैं। तो हमारा जो ये प्रोसेसर बना रहे हैं हम, उसमें भी मैथमेटिक का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम उस यूनिट, हमने एक दिमाग के हिस्से में जो है वो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये दिमाग है, उसमें एक हिस्से में हमने कहा कि ये पोर्शन मैथ को सॉल्व करेगा, तो हमने उस यूनिट का नाम रख दिया, क्या नाम रखा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या नाम रखा हमने, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ये सिर्फ जो है इसी काम, ये पर्पस के लिए ये यूनिट को बनाया गया है, ठीक है। चलें, एक तो बात समझ आएगी, और दूसरा हमारे पास जो है वो है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट का क्या मतलब हुआ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपकी एज क्या है, तो आप जो है पहली जो बात मैंने कही अपने अल्फाज मुँह से वो आपके कानों में गई, ऐसा ही हुआ ना, कानों में गई ना, और फिर ये सेव होती मेमोरी के अंदर, क्योंकि आप जब सेव हुई तभी आपने मुझे रिप्लाई दिया। आप समझ में आ रही है कि मेमोरी यूनिट आपकी डेटा को सेव करवाता है, और कंट्रोल यूनिट असल में क्या करता है, कंट्रोल बताता है कि भाई ये जो बात की है हुसैन ने, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा पेंसिल दो और आप मुझे देख रहे हैं, तो आप इसे मैं उठा के दे रहा हूँ और आप उठा ना सकें, इसका मतलब आपको सिग्नल समझ ही नहीं आ रहे कि आप जो है चीज़ को, आपको क्या एक्शन लेने चाहिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा उठो, या मैं आपसे कह रहा हूँ पेंसिल दो या पेन दो, आप मुझे कोई रिएक्शन नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आप जो है या तो मुझे सुन नहीं रहे, और अगर सुन रहे हैं तो आपका कंट्रोल यूनिट सिस्टम जो है वो समझ नहीं पा रहा कि मैं इसको क्या करूं, इसका क्या जवाब दूं, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज़ें होगी, एक तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक मेमोरी यूनिट, और एक कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर जो है इन चीज़ों के, CPU जो है इन तीनों के साथ कंबाइन काम कर रहा होता है। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी, मेमोरी यूनिट किस चीज़ से रिप्रेजेंट करता है, ये कंट्रोल करता है, और ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को जो है काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है,
जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, ठीक है, अगर मैं आपसे कुछ कहता हूँ कि भाई आपका नाम क्या है, या जो है मुझे बताएं कि जो है आपका घर कहाँ है, तो जहर से मैंने आप पहले सुनेंगे। जब आप सुनेंगे तो दिमाग में अगर बहुत सारी बातें चल रही हैं तो हो सकता आप मुझे जवाब ही ना दें, पता नहीं सर ने क्या कहा क्लास के अंदर, आपकी बातें कुछ मतलब आपके दिमाग में चल रहा हो तो आप तो जो है वो हो सकता है कंसंट्रेशन ना होने की वजह से कहें सर हमें दोबारा सुनाइए। और अगर आप गजनी हैं, मतलब गजनी आपने देखी मूवी, तो ये गजनी क्या करता है, ये भूल जाता है। अब इसके शायद इसका जो जहन था शायद 15 सेकंड या 15 मिनट, जो मुझे याद नहीं है कि मूवी, ठीक है, तो ये सुनता था मगर भूल जाता था। मतलब इसका कि पहले जो ये सुनता है वो पहले मेमोरी में जाके सेव होता है, ठीक है ना, उसके बाद प्रोसेस होती है, सही होगा ना, कि पहले आपको जो बोला गया इनपुट आया है आपके पास, तो इसका मतलब कि दिमाग जो है पहले उसके बाद उसको सेव करता है मेमोरी में। तो पहले तो हमारे पास क्या हुआ, पहले तो डेटा ही ऐसा हुआ ना, पहले हमारे पास डेटा पहुंची, ठीक है बेटा, उसके बाद इसको जो है ना डेटा पहुंचना, यहाँ लिखा है ब्रेन गेट्स डेटा, हम इसको नाम दे देंगे फेच। क्या नाम दे देंगे? फेच, ठीक है, परेशानी तो नहीं है ना फेच में। ओके, जब डेटा हमें मिल गई तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ऐसा ही हुआ ना, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाह रही है। तो ट्रांसलेट हमारे लफ्ज़ों में, कंप्यूटर के लफ्ज़ों में डिकोड क्या हो गया, डिकोड क्या हो गया, डिकोडिंग हो रही है इसके अंदर, समझने को ट्रांसलेशन हो रही है इसके अंदर। और उसके बाद हमें अभी डिकोड हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे आप, अब आपने डिकोड कर दिया, अब उसके बाद आप इसको समझेंगे कि क्या क्या आपने चीज़ें समझा है और रिप्लाई देंगे, सही होगा ना, आपने ट्रांसलेट कर लिया उसके बाद इसको डिकोड करके आप इसका रिप्लाई देंगे हमें, ऐसा ही होगा ना। अब रिप्लाई जो है हमारी ज़िंदगी में नाम होगा, और जो है कंप्यूटर के पास ये नाम होगा एग्जीक्यूट, क्या होगा ये नाम, एग्जीक्यूट, मुझे लगता है ये समझ गए होंगे, ठीक है आप, एग्जीक्यूट, चलिए एग्जीक्यूट हो गया। और फिर उसके बाद जो है कंप्यूटर, अब दिमाग जो है अपने पास वो डेटा रखेगा, ऐसा ही होगा ना। मैंने आपसे क्या पूछा, आपको याद रहा, क्यों याद रहा, क्योंकि आपने सारी डिकोडिंग करके एग्जीक्यूट करके मुझे जवाब भी दे दिया, और आपको मेमोरी में फिर दोबारा आपने इसको स्टोर भी करवा दिया। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि भाई अब जो ये लिखा है ना सेव, ये हमारी लैंग्वेज में सेव होता है मगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे कहा जाता है स्टोर, ठीक है। तो हमने एक चीज़ को देखा कि फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, स्टोर करना, ये चीज़ें हम समझ गए ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो पहले हमारे क्या ज़रूरत पड़ी थी, हमें इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा ही है ना। और आपको मैं पूछूं भाई इनपुट कैसे दिया जाता है, तो आप बोलेंगे सर जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे हाथ, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, मगर अगर कंप्यूटर के हिसाब से देखे जाए तो कैसे इनपुट होगा, आप बोलेंगे सर कीबोर्ड के जरिए इनपुट दे सकते हैं, ऑलरेडी जो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है वो भी एक कंप्यूटर को तरीके का दिमाग को इनपुट होता है, हार्ड डिस्क को भी इस तरह, वो कंप्यूटर को भी इसी तरीके से इनपुट होता है, जो चीज़ें आपके ऑलरेडी माइंड में हैं वो भी तो बार बार आप प्रोसेस करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद माउस हो गया, सेट्रा हो गया, वो सारी चीज़ें जो कंप्यूटर के लिए हैं वो रीजनेबल हो सकती हैं इनपुट में। और उसके बाद जैसे कंप्यूटर से इनपुट आया तो हमने एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया था, मेमोरी का दिया था, यही दिया था ना मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास कहलाती है रैम को, क्या कहलाती है, रैम इज़ द प्राइमरी मेमोरी। जब भी आप अपना कंप्यूटर जो है ओपन हो गया, उसके पे बात करता हूँ, जब ओपन हो गया या एमएस ऑफिस आप ओपन कर रहे हैं तो पूरे का पूरा लोड कहाँ जाता है, मैं जो है प्राइमरी मेमोरी में जा रहा होता है, ठीक। चलें उसके बाद जो हमारे पास मेमोरी के बाद हमने क्या कहा था, मेमोरी के बाद हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के पास डेटा जारी होती है, ठीक। और जब ये डेटा जा रही होती है उसके पास, तो उसके पास पीछे दिमाग में क्या चल रहा होता है, इसके जो प्रोसेस चल रहा होता है ये चल रहा होता है भाई, फेच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, स्टोर होगा। इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल या फिर मशीन साइकिल, ठीक, बात समझ में आ रही है, ओके। उसके बाद हम जो हैं यहाँ पर थोड़ा इसको और वजाहत करके, ये मैं आपको ऊपर जो स्लाइड समझाई वो समझाने के लिए था, और हमें जो गिवन है जो है बुक्स के अंदर, ठीक है, वो इस तरह है कि भाई हार्ड डिस्क से डेटा आई रैम की तरह, रैम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई, कि क्योंकि जब आपका प्रोग्राम होता है ना एमएस ऑफिस का भी, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही बटन आपको दिखाई दे एमएस ऑफिस में, आपको एमएस ऑफिस में फाइल भी दिखाई देगा, होम भी दिखाई देगा, इंसर्ट भी दिखाई देगा, ठीक है। तो बहुत सारे बटन आपको एमएस ऑफिस ओपन करते हुए दिखाई देंगे, तो सारे वो इंस्ट्रक्शंस हो रहे होते हैं कि यूज़र कहाँ पर क्लिक करेगा, ठीक। वेल, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, आपने एक वीडियो फाइल भी खोल दी हो, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो क्या होंगे, पूरे के पूरे होंगे मेमोरी के अंदर, और उसके बाद जो आप बटन पे क्लिक करें, मिसाल आपने फाइल पे क्लिक किया तो फाइल वाली इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी, ये पूरा डिकोड होगा, फिर एक्शन पे
फाइल वाला मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है, सही है ना। वेल, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। यही चीज़ मैंने लफ्ज़ों में लिख दी है कि फेच क्या करता है, डिकोड क्या करता है, एग्जीक्यूट क्या करता है, जो है स्टोर क्या करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया हो कि ये क्या चीज़ हो रही है, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो है ये मैंने लिखा है कि ये फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग, वही इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल, ठीक है। द CPU परफॉर्म सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन कंप्यूटर सिस्टम, बहुत आसान डेफिनेशन मैंने यहाँ पर रखी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा जो मशीन साइकिल किसे कहते हैं, भाई मशीन साइकिल भी उसे ही कहते हैं जो हमारे पास है। द मशीन साइकिल रिफर टू वन पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक पार्ट जिसे होता है हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कह रहे होते हैं। इस इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम रिफर क्या करते हैं, मशीन साइकिल रिफर कर रहे होते हैं, प्रोसेसर साइकिल भी रिफर कर रहे होते हैं। तो ये आप पढ़िएगा, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा बहुत कि भाई क्या है क्या चीज़, ठीक, थोड़ा बहुत इसको स्टडी करें। और जो है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास CPU ब्लॉक डायग्राम आ गया। अब वही डायग्राम, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बार ब्लॉक डायग्राम बना के देखा है तो उम्मीद करता हूँ आपको पता है कि पहले इनपुट हमें चाहिए, फिर जो हमारे पास ये CPU का पूरा आर्किटेक्ट है, ठीक है ना, उसमें प्रोसेसर का, तो ये प्रोसेसर क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास जो है LU, CU, MU होता है, और इसके पास ये रैम होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क भी होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है। और इससे इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे जो भी कीबोर्ड है डायरेक्ट कहाँ जाती है, रैम में जा रही होती है, रैम के बाद CPU में। और अगर आप कीबोर्ड को नहीं टच करते तो हार्ड डिस्क जो हमारे सिस्टम में लगी होती है वो इंटरेक्ट कर सकती है CPU के साथ, ठीक है। इस तरह CD भी CPU के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। उसके बाद क्या होगा, ये जो डेटा है वो रिटर्न इसको कुछ भेजती है, भेजने के बाद ये अगर आप मॉनिटर में देखना चाहते हैं, प्रिंटर पे देखना चाहते हैं, स्पीकर पे, अदर आउटपुट डिवाइसेस पे इसको देखा जा सकता है। मेमोरी यूनिट को हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। मेमोरी यूनिट जो है, जो आपने देखा कि CPU के अंदर था, ठीक है, तो जो मेमोरी यूनिट है हमने उसे, क्योंकि जो प्रोसेसर है ना, जो प्रोसेसर देखें, आप एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर मेमोरी यूनिट है ना, इस मेमोरी का प्रोसेसर के अंदर भी मेमोरी यूनिट जो है ये नहीं अंदर, ठीक है ना, ये बाहर सिस्टम है, ये मेमोरी यूनिट, ये हमारे पास CPU है ना, ये वाला। तो मेमोरी यूनिट जो है वो दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, एक को कहा गया है रजिस्टर, एक को कहा गया कैशे। और ये जो है ना, बहुत ये भी जो है मेमोरीज हैं, और ये क्या करती हैं, ये भी अपने पास डेटा रखती हैं, हाई स्पीड डेटा इनकी होती है, हाई स्पीड होती है इनकी मेमोरी की, और ये अपने पास जो है इंस्ट्रक्शन जो होती है ना, जो आपने भेजते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप बॉडी है आपकी, तो बॉडी में जिस मैं बात तो कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है, ठीक है, मगर उसके अलावा भी तो प्रोसेस हो रहे हैं ना, आपकी आंखें चल रही हैं, आपका दिमाग, आपके बालों को जो भी ब्लड लगा मिल रहा है, धड़कने, सांसें, सारी चीज़ें, तो ये भी तो प्रोसेस पीछे हो रहे हैं ना। तो जब आप CPU चलाते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो ये उनको भी हैंडल कर रही होती हैं, और साथ साथ जो है जो आपने काम दिया, जिसे मैं बोल रहा हूँ, उसको भी प्रोसेस करना होता है, तो ये फ्रिक्वेंटली इसको जवाब दे रही होती है। तो ये हमारे पास रजिस्टर और कैशे मेमोरी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए। और जो है, तो जो रजिस्टर है हमारे पास वो क्या करता है, क्योंकि हाई स्पीड मेमोरी है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो हमने कहा कि आ रही हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और जो है अपने पास रखता जाता है, ठीक है। रजिस्टर में हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही होती हैं जैसे, और वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल मेमोरी कहलाती है, ठीक है ना, CPU की अपनी इंटरनल मेमोरी, ठीक। तो ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है और वो रखता जाता है रजिस्टर के अंदर। उसके साथ हमने कहा था एक और मेमोरी है जिसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं। कैशे मेमोरी में तीन लेवल होते हैं, Level 3, Level 2, Level 1। अब ये क्या होते हैं भाई, जो बड़े प्रोग्राम होंगे, डेटा जो फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल की जाती है उसको स्टोर करता है, तो जो ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं उसको लोड करते हैं अपने पास। तो सबसे ज़्यादा जो आप जो है वो लोड करवाते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी डेटा है, जैसे MS Office है, तो वो तो आपके रैम में इस्तेमाल हो जाएगी, वो उसमें अंदर स्पेस ले लेगा, मगर उससे कम है, बहुत कम है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो Cache 3 पे आ जाएगी, उससे कम है तो Cache 2 के, और उससे कम है तो Cache 1 पे वो डेटा मूव होगी, ठीक। तो ये क्या करता है, अपने पास वो डेटा स्टोर करता है जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाया गया है कि हाउ CPU एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आपको पता चला हार्ड डिस्क में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक, इंस्ट्रक्शन आप कोई भी एक इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, बहुत सारे काम भी कह सकते हैं, ये हमारे पास मेमोरी में लोड होते हैं। मेमोरी में जैसे लोड हो गए, उसके बाद आपको पता है मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास CPU लगा हुआ है, तो ये CPU
मेमोरी के बाद ये जा गया कैशे थ्री के पास, उसको हम L3 कहते हैं, फिर कैशे टू जो L2 को कहते हैं, ठीक, L2 के बाद लोड होता है, अगर डिपेंड करता है डेटा कितनी बड़ी है, उसके बाद कैशे वन पे लोड होता है वन बाय वन आराम आराम से, मतलब यहाँ से डेटा थोड़ा मूव होकर यहाँ मूव होते ये अपने प्रोसेसर तक बात पहुँचाता है। ये भी एक तरीक़ेकार होता है कि भाई बड़ी डेटा है इसको थोड़ा सा और तोड़ तोड़ के करें, जैसे प्रोसेसर इसको जवाब जल्दी से दे, पूरे का पूरा लोड जो है वो प्रोसेसर अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि जो है उसे फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको प्रोसेस करने में। ठीक है, तो बात यहाँ पर उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। हमने कहा था जो हमारे पास माइक्रो जो हमने कहा था टेक्नोलॉजी है कि भाई जो हमारे पास कंप्यूटर है वो जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो माइक्रोमीटर तक जो है वो हमारी जो है वो दूरी है या कम हमने बनाई है। मिसाल मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी और मेरी जो दूरी है वो, या मैं जो है आपको जो है हम दोनों का डिस्टेंस या हम दोनों की जो फ्रेंडशिप है हमारे एक टीचर की स्टूडेंट के साथ हो तो वो 0% है, या दो दोस्त हैं उनकी फ्रेंडशिप जो है वो है 0%, ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसके मतलब इसका मतलब कोई दोस्ती है ही नहीं, ठीक। और अगर कहूँ कि उनकी जो बिटवीन गैप है उनकी जो दोस्ती है वो जो है, सॉरी बेटा बेटा थोड़ा एग्जांपल मैं चेंज कर रहा हूँ, एग्जांपल ये है कि जो अगर मिसाल तौर आपको पता है जो टेम्परेचर है पानी का, ठीक है, अगर वो 0 है तो उसका मतलब पानी नॉर्मल है, और अगर गर्म होता जाएगा तो मतलब 10 है, इसका मतलब 10 सेंटीग्रेड गर्म है, 20 है, 30 है, आपको पता है आपके बॉडी टेम्परेचर कितना सेंटीग्रेड, 35 या 37 है, ठीक है, तो इसका मतलब है 37 होगा तब आपको फील होना शुरू होगा कि अब ज़्यादा गर्म है, ठीक है, या 40 होगा तो अब लगना फील होगा कि उससे ज़्यादा गर्म है, ठीक। वेल तो कहने का मकसद, और अगर हम जो है यहाँ नेगेटिव में जाएं तो -10 तो इसका मतलब ये अब ठंडा है थोड़ा, ठीक है, -20 इसी, हालांकि -10 बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, तो ये -20 और ज़्यादा बर्फ़, ठीक, और ज़्यादा बर्फ़ इंतहाई की बर्फ़ हो जाएगी, ठीक। तो कहने का माइनस का मतलब होता है कम, ठीक है, माइनस का मतलब होता है कि वो गैप कम, और इसका मतलब होता है गैप ज़्यादा, ठीक है, मतलब ये गैप ज़्यादा को शो कर रहा है, ये गैप कम को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ट्रांजिस्टर जो है दो ट्रांजिस्टर के बीच में जो है, अगर जो है हमारे पास 10^9 जितना गैप है तो उसका मतलब कितने गैप्स हो जाएंगे, मिसाल तो 100,000, 1,000,000, 10,00,000, 10 करोड़, ठीक है, मतलब मोर देन द 10 करोड़ क्या हो जाएंगे, बिलियन, इसमें क्या हो जाएंगे, वो गैप आ जाएगा। बस समझ आ रही है आपको कि ये गैप हो जाएगा। और अगर जो है हमारे पास नैनोमीटर कहें हम, ठीक है, ये नैनोमीटर लिखा हुआ है एन, इसको 10^9, ये भी 10^9 है मगर ये माइनस में है, तो इसका मतलब इतना जो है वो गैप कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्चुअली राउंड फिगर थी चीज़। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है ये है कि भाई जो है हमारे पास, मैंने जैसे कहा आपके, आप जो है आपको इनपुट देने से पहले, इंसान के बाद में कोई बात करने से पहले आपसे, आपके बॉडी के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस चल रही हैं, ठीक है, और इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जैसे आपने ऑन किया तो कुछ प्रोसेसेस चल रही हैं उसके अंदर अपनी, ठीक है, जैसे उसने ऑन किया मेमोरी को एक्टिव करना है, सारे जो कंपोनेंट्स लगने हैं लगे हुए हैं उनको जो है वो उससे बातचीत हो रही है, उनके साथ कनेक्शन बना रहा है, सिग्नल्स दे रहा है एक दूसरे को, तो ये जो हमारे पास है वो सारा कंप्यूटर कैसे समझ रहा है, ये जो पूरा डिज़ाइन है वो किस चीज़ से बना हुआ है, कौन सी लैंग्वेज से बना हुआ है, वो बना हुआ है बाइनरी कोड से, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक मशीन है जैसे हमने बटन ऑन किया तो क्या क्या हमारे पास से कौन सी लैंग्वेज उसको कंप्यूटर को समझ आए, वो 0 समझ आई, 1 समझ आया, ठीक है, 1 हुआ तो कंप्यूटर ने अपने आप को ऑन करना शुरू किया। इसी तरीके से करंट की एक रफ्तार, एक जो है वो क्या कहते हैं फिगर है, वो जाएगी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के पास तो वो अपने आप को समझेगा कि मुझे एक्टिव होना है, और अगर वो ज़्यादा हो जाती तो क्या हो जाता, आप पावर सप्लाई सर जल गया, कैसे जला, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा एनर्जी आ रही थी, ठीक। तो एक तो ये सारी चीज़ें बन बन के जो सिस्टम जो एक्टिव हो के अपने आप को सिग्नल भेजता रहता है तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है इसी तरीके से। तो ये जो सारी चीज़ें हमने देखी, कंप्यूटर जो CPU है वो क्या कर रहा है, तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको जिस पे वो चल भी रहा है, ठीक है, हमने कहा था वो अर्थमेटिक है, वो लॉजिक है, ठीक है, और अपने पास भी डेटा भेज रहा है क्योंकि आप जो है वो देख रहे हैं तो इसका मतलब वो डेटा जा रही है, ठीक है, वो फॉर इंफॉर्मेशन भी जा रही है, आपके बॉडी के अंदर जो है ब्लड मूव हो रहा है, इसका मतलब जो है कुछ चीज़ें लॉजिकली या कुछ चीज़ें वो मूव हो रही है आपके अंदर, हालांकि मैंने कोई इनपुट नहीं दिया, इसका मतलब सिस्टम जो है वो खुद भी कुछ ना कुछ रनिंग कर रहा है, और वो जो रनिंग कर रहा है अंदर वो एक लैंग्वेज पर रनिंग करता है प्रोसेसर, वो तो हमें समझ आ गई बाइनरी।
ठीक है। अब इस बाइनरी को हम क्या कह रहे होते हैं, हम कहते हैं ये एक आर्किटेक्चर, ठीक है। हम क्या कह रहे होते हैं उसको, उस सेट ऑफ कमांड्स को हम कहते हैं कि भाई ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बिल्ड की गई है, और इसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, और रेफर किया जाता है इसको इंस्ट्रक्शंस की, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस होती है ना कि भाई ये ब्लड मूव हो रहा है फलां बॉडी पे, अगर नहीं हुआ फलां एरिया पे नहीं होगा तो उसका जो है वो बॉडी रिएक्शन देना शुरू करेगी ना। इस तरह माइक्रो प्रोसेसर को भी पता होता है, रैम नहीं होती तो फिर उसको सिग्नल देना होता है, एक बीप पर जानी होती है कि भाई ये जो है यहाँ पर जो है रैम नहीं है, ठीक। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारी माइक्रो प्रोसेसर को समझ आती हैं कि कोई चीज़ अगर नहीं लगाई हुई अटैच की तो मुझे सिग्नल भी जनरेट करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं हम इसे कहते हैं ISA, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है। क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये CPU बनाते वक्त मैन्युफैक्चर इसमें प्री डिफाइन कर देता है, ऐसा ही हुआ ना, प्री डिफाइन कर देता है। जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे ये CPU है, ठीक है, उसके साथ क्या लगाओ, ISA लगा हुआ, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की वजह से जो है हमारे पास C++ वो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट से क्या मुराद, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट से मुराद कि अगर आप जो है वो विंडो में अगर आपने C++ का प्रोग्राम लिखा है और आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाना चाह रहे हैं, मतलब लिनक्स पे चलाना चाह रहे हैं, तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके ISA जो है ना, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, वो चेंज है, ठीक। और जो आपके विंडो के जो प्रोसेसर है उसका ISA इंस्ट्रक्शन चेंज है, वो चीज़ों को उस तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं समझेगा, उसको जो समझाया गया है वो दूसरी इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसको दूसरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया हो कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर जो हमने कहा कि आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर क्या होते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि CPU में अंदर इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ठीक है, माइक्रो आर्किटेक्चर में, क्योंकि ये एक छोटा सा जो है माइक्रो प्रोसेसर है। और ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इंटरप्रेटेड होते हैं, मतलब इसको रीड किया जाता है। कौन रीड करता है भाई इसको, इसको CPU ही रीड करता है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, जो अफेक्टिंग हैं CPU स्पीड पे जो कुछ फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं उसके ऊपर, वो हैं भाई एक इंटीजर रेट और एक क्लॉक रेट। अब ये दो वर्ड जो इंटीजर है वो वर्ड आपके पढ़ाव है कि भाई इंटीजर क्या होता है। अब जैसे हमने कहा कि ये इंटीजर तो आपके जहन में नंबर आने चाहिए, ठीक है, ऐसा ही हो ना कि कोई नंबर आना चाहिए। और अगर मैं कहता हूँ कि भाई, अगर मैं कहता हूँ कि 8-bit CPU, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 8-bit जो है, बेसिकली हर बिट कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट करता है, हर बिट जो होता है वो कोई ना कोई डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक। मतलब 1 ये 8-bit कहलाता है कि अगर 8-bit होंगे तो डेटा रिप्रेजेंट की जाएगी 8 की। अगर ये 8-bit 0 हैं, मतलब 8-bit जो हैं, 8 नंबर अगर ये 0 हैं, तो इसका मतलब है कि कमांड क्या है, ऑफ़ है, कोई भी हम बात नहीं करना चाह रहे हैं, अगर 0 पे मतलब बात ऑफ है, ठीक। और अगर हम कहें ये 1 है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बात हो रही है, मतलब ये सारे 1 है तो इसका मतलब कि कम्प्लीटली जो है सिस्टम ऑन है। और अगर ये 101 होगा तो इसका मतलब होगा सिस्टम अकॉर्डिंगली किसी चीज़ से क्या चीज़ पे वो हाईलाइट करना चाह रहा है, किस चीज़ को वो बताना चाह रहा है, कौन सी डेटा रिप्रेजेंट हो रही है 0 से, कौन सी डेटा रिप्रेजेंट हो रही है 1 से, ठीक। तो एक बात समझ आ गई कि सारे बिट अगर 1 होते हैं तो कहलाते हैं ऑन, ठीक, और अगर सारे बिट 0 होते हैं तो कहलाता है ऑफ, ओके। इसी तरीके से ये तो 8-bit है, और हमने अब जो है बात कर रहे हैं 64-bit की, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर आजकल कौन से 64-bit के हैं ना, तो वेयर एज अ 64-bit CPU कैन हैंडल 64 ऑन एंड 64 ऑफ डेटा, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब कि 64 डेटा जो हमारे पास बिट्स ऑन होंगे, 64 ऑफ होंगे। इसी तरह क्लॉक रेट क्या होता है भाई, क्लॉक रेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इंटीजर जो है ना 1 सेकंड के अंदर कितना चला है, मतलब उसने रिस्पॉन्स कितना दिया है।